हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूजटेक में। मेरा नाम मुकेश। आज के वीडियो में कंपैरिजन लाया हूँ रियलमी 8 5G और पोको M3 Pro 5G के ऊपर, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है। दोनों के प्राइस में 1000 रुपये का डिफरेंस है और दोनों ही फ़ोन 5G फ़ोन है। तो इस 1000 रुपये के डिफरेंस में कौन सा फ़ोन बेटर निकलता है, इस वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा। वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। रियलमी 8 5G पोको M3 Pro 5G के कंपैरिजन में यहाँ पे दो कलर से स्टार्ट करते हैं। तो रियलमी 8 5G में दो कलर मिले थे, ब्लू एंड ब्लैक। यही पे पोको M3 Pro 5G में 3 कलर मिलते हैं, ब्लैक, येलो एंड ब्लू। इसके बाद इसके ओवरव्यू की बात करें, लुक की बात करें, तो रियलमी 8 5G में फ्रंट में पंच होल कैमरा मिलता है, बैक साइड में 3 कैमरा मिल जाता है LED के साथ। इसके लेफ़्ट साइड में 3 स्लॉट वाला सिम ट्रे दिया गया है, जहाँ पे SD कार्ड भी लगेगा और 2 नैनो सिम लग सकता है। और साथ में वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन बटन दिया गया है। राइट साइड में पावर बटन दिया गया है, जिसमें साथ में फिंगरप्रिंट भी है। और ऊपर के पैनल में कुछ भी नहीं दिया गया है। नीचे के पैनल में स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक और एक माइक दिया गया है। पोको M3 5G Pro में फ्रंट में मिडिल में पंच होल कैमरा दिया गया है, बैक साइड में 3 कैमरा LED के साथ दिया गया है। कैमरा के ठीक नीचे पोको की ब्रांडिंग है और नीचे की तरफ 5G लिखा हुआ है। इसका लुक जो है ना, रियलमी 8 5G से काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा है। इसके लेफ्ट साइड में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, जहाँ पे एक नैनो सिम और एक SD कार्ड लग सकता है या फिर 2 नैनो सिम ही लग सकता है। और राइट साइड में वॉल्यूम रखकर अप एंड डाउन बटन और साथ में पावर बटन दिया गया है, जिसमें फिंगरप्रिंट भी है। ऊपर के पैनल में 3.5mm का जैक, सेकेंडरी माइक, आईआर ब्लास्टर दिया गया है। और नीचे के पैनल में टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है। अब डायमेंशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन लगभग सेम है, कुछ डिफरेंस है बट अल्टीमेटली साइज़ जो है दोनों का सेम ही निकलता है। हाइट के हिसाब से रियलमी 8 5G ज़्यादा बड़ा है 6.40 इंच का, और चौड़ाई के हिसाब से ज़्यादा चौड़ा पोको M3 Pro 5G है 2.97 इंच का। डेप्थ में देखें तो फिर स्लिम ज़्यादा मिल जाता है रियलमी 8 5G 0.33 इंच का। यहाँ वेट की बात करूँ तो यहाँ पे रियलमी 8 5G 185 ग्राम और पोको M3 Pro 190 ग्राम है। इसके बाद डिस्प्ले में चलते हैं, तो दोनों में ही सेम IPS डिस्प्ले मिल जाता है और ही बहुत सारे फीचर्स जो है लगभग सेम है। जैसे कि यहाँ पर साइज 6.5 इंच का फुल HD प्लस मिलता है दोनों में ही सेम, और PPI भी जो क्रिएट करता है 405 PPI बनाता है दोनों में ही। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो सेम है। कॉर्निंग बट यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया था पोको M3 Pro में, और रियलमी 8 5G में नहीं बताया गया है कुछ भी। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दोनों में ही मिल जाता है और एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे UI जो है अलग अलग है, रियलमी में रियलमी UI 2.0 और पोको में 12 MIUI मिल जाता है। अब यहाँ पे चिपसेट की बात करते हैं, तो चिपसेट में दोनों में ही सेम चिपसेट मिल जाता है, 700 Dimensity 700, जो दोनों ही 5G है और 7 नैनोमीटर के साथ आता है। अब CPU की बात करें, तो क्लॉक इसमें दोनों में ही लगभग सेम क्लॉक की सीट मिल जाता है, ऑक्टा कोर दोनों में मिलता है। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, अगर आप गेमिंग के साथ जाना चाहते हैं तो रियलमी 8 सही होगा, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ जाना चाहते हैं तो पोको M3 Pro 5G अच्छा होगा। रैम एंड स्टोरेज में आपको पोको M3 Pro 5G में बेटर देखने को मिलता है, 4+64, 4+128 UFS 2.2 के साथ, तो काफ़ी अच्छा है। रीड एंड राइट स्पीड अच्छा ही मिलेगा पोको M3 Pro 5G में। इसके बाद चलते हैं सबसे बड़े फीचर की तरफ, कैमरा में। तो कैमरा में सबसे पहले रियलमी 8 5G में सबसे पहले आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ, जो कि 1.8 एपर्चर के साथ आता है। इसके बाद 2 मेगापिक्सल का BMW पोर्ट्रेट लेंस मिलता है 2.4 एपर्चर के साथ। इसके बाद आपका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है 2.4 एपर्चर के साथ, और यहाँ पे साथ में LED भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऊपर में एक और दिया गया है AI, तो एक सेंसर दिया गया है साथ में। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है 2.1 एपर्चर के साथ। इसके बाद हम चलते हैं पोको M3 Pro 5G के ऊपर, तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का 1.79 एपर्चर के साथ मिलता है पहला कैमरा। इसके बाद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है तो 2.4 एपर्चर के साथ। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है 2.4 एपर्चर के साथ। यहाँ पे डुअल LED का साथ देखने को मिलता है, और साथ में कैमरा के ठीक नीचे पोको की ब्रांडिंग दी गई है, जो काफ़ी लुक अच्छा बनाता है। अब इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का मिलता है 2.0 एपर्चर के साथ।
ओवरऑल कैमरा की बात करें तो रियर में सेम मिलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर फ्रंट में 16 मेगापिक्सल ज़्यादा अच्छा मिल जाता है रियल मी 8 5G में। अब रेजोल्यूशन की बात करें तो रियर में और बैक साइड में या फिर बोले तो स्लो मोशन में भी सब कुछ सेम, लगभग सेम मिलता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और अदर फीचर में भी जैसे कि बैटरी हो गया, फास्ट चार्जिंग हो गया, 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, तो लगभग सेम है, दोनों में ही सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। USB टाइप सी, 5G 4G 3G और 2G, साथ में यहाँ पे 5.1 का ब्लूटूथ सपोर्ट भी मिलता है सेम, 3.5 mm का जैक, बट यहाँ पे डुअल स्पीकर का सपोर्ट नहीं मिलता है किसी में, बिकॉज अभी के लगभग फ़ोन में डुअल स्पीकर और कूलिंग सिस्टम दिया जाता है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। बट यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट बस दिया गया है, जो कि अभी लगभग सारे फ़ोन में चल रहा है। गाइस, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, कैसा लगा ये वीडियो और ये कंपैरिजन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और 1000 के डिफरेंस में दोनों ही 5G फ़ोन है, जिसमें एक में 16 मेगापिक्सल मिलता है, एक में 8 मेगापिक्सल मिलता है फ्रंट में, तो ये 1000 दे के 16 मेगापिक्सल लेना सही है कि नहीं ये कमेंट कर सकते हैं। और आपको कौन सा फ़ोन बेटर लगा ये भी कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ, रिव्यूज़ वीडियोज़, जिसके ऊपर ऐप्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, स्मार्ट वॉच के ऊपर, तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आशा करता हूँ बहुत पसंद आएगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी दूसरों तक पहुँचती रहे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।